प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र की पास कॉलोनी देवलोक में किराना व्यापारी के यहां चोरी से हापुड़ पुलिस गश्त की एक बार फिर पोल खुल गई। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली क्षेत्र की पास कॉलोनी में किराना व्यापारी अजय कुमार अपनी बहन के घर नोएडा पूरे परिवार सहित गए हुए थे कि देर रात चोरों ने उनके मकान का ताला तोड़कर करीब 20 लाख रुपए कीमत का आधा किलो सोना व 3 लाख की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। सुबह जब पड़ोसियों ने व्यापारी के मकान का ताला टूटा देखता तो पड़ोसियों ने व्यापारी व पुलिस को घटना की सूचना दी। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अच्छा अनुज जी, बताइए आपके चोरी हुई है, क्या क्या सामान गया है, कहाँ गए थे आप लोग? मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया था परसों नोएडा शाम यहाँ से 4:30 बजे, तो मेरे में सुबह यहाँ से कॉल गई थी कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। तो जो मैंने अब आके देखा तो यहाँ तो सब लोग आए हुए थे, भाई के पास चाबी थी, तो अंदर आके देखा तो काफ़ी मतलब 2.5-3 लाख रुपये कैश और करीब करीब आधी किलो से के आसपास सामान। अच्छा, और कोई सामान है फ्रंट साइड में? हाँ, तो मोबाइल है। अच्छा, एक एलईडी है, और मैं लैपटॉप भी बता रहे हो? नहीं, लैपटॉप नहीं। लगभग सोने की कितनी कीमत होगी जो आपकी ज्वेलरी गई है? भैया आप हिसाब लगा लें, आधी किलो का सोने के दाम आज की तारीख में क्या भाव है? अच्छा, पुराना सोना है भाई, उसमें पुरानी गिन्नी भी है, सेट भी है, चैन भी है, सब चीज़ है। आप किसी को अपने जानकार को चाबी देकर गए? भैया के पास थी, मेरे भाई के पास। सर, कोतवाली क्षेत्र देवलोक में चोरी हुई है किराना व्यापारी के, क्या है पूरा मामला, क्या पता पड़ पाया? देव लोग कराने में रात में एक घटना घटित हुई है जिसमें था कि अनिल कुमार हैं, वो नोएडा अपने बहन के यहाँ चले गए थे, उनके घर में ताला लगा हुआ था, बंद घर में एक चोरी की घटना हुई है। क्या सामान गया है और क्या क्या चोरियाँ हुई हैं इस संबंध में भी अनिल कुमार जी ने तहरीर नहीं दिया है, तहरीर प्राप्त करके ही मुकदमा दर्ज की कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई है, आने जाने वाले रास्तों पर जो भी CCTV हैं उनके हम लोग फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं, तथा जो इस तरह के पेशेवर अपराधी हैं उनको भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है, टीमों का गठन इसमें कर दिया गया है, जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा।